आ गए सभी लोग, तो शुरू करें आपका किस्सा। करते हैं। दरअसल हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था प्रैंक। अब आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, तो भैया हमें बिल्कुल नहीं मालूम। उसके माँ बाप को पसंद आया तो रख लिया। दरअसल उसे क्या था, प्रैंक करने का बहुत बुरा आदत था। उसने हमारे साथ भी प्रैंक किया बहुत बार। कई बार तो मन किया कि मार मार के उसका गान लाल कर दे। इसे गलत सुन लियो ना, गाल बोले हैं, तेरा लैंग्वेज तो डरिए अपने कान का। तो एक दिन हम सोचे कि आज हम उसके साथ प्रैंक करेंगे। तो हमने उसके पापा को फोन मिलाया, यादव जी को। हम बोले कि यादव जी, आपका जो लौंडा है वो हाथ से निकल गया है। वो गोवा में किसी का सैया बनकर निंजा के ऊपर टाटा सैया कर रहा है। तो यादव जी बोले, हम देखते हैं। इतना कहकर फोन काट दिए। उस रात हम विमल नहीं खाए थे, तो हम भूल गए कि हमने प्रैंक किया। अगली सुबह जब हम उठे, हमने चाय में विमल डाल के खाया, तो हमको याद आया कि हम प्रैंक किए हैं। हमने यादव जी को फिर फोन किया। हम बोले कि यादव जी, कल जो था प्रैंक था। यादव जी बोले, बिल्कुल सही कह रहे हो, कल प्रैंक था लेकिन आज नहीं है। गोवा में ही लिटा दिया उसको और वहीं पे उसका अस्थि विसर्जन कर दिया। हम सोचे अंकल तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, अपने ही लौंडे को पहन लिए। फिर अंकल हमसे बोले कि दो दिन बाद है उसका चौथा, और सारा प्रोग्राम जो है तुम्हें ही देखना है, और साथ में है एक शोक सभा का आयोजन। हम बोले ठीक है, देख लेंगे। किसका फोन आ गया है वे? कौन है वे? अरे यादव जी, आप ही को याद कर रहे थे अभी, 100 साल बाद मरेंगे आप। हाँ वो लिस्ट वाला काम कर दिए हैं। हाँ हलवाई से भी बात हो गया भाई। हाँ तो यादव जी, हम क्या कर रहे थे, जो शोक सभा में मेहमान आएंगे उनका स्वागत विमल से कर देते हैं। वो क्या है कि सबका जुबान केसरी हो जाएगा, तो भजन कीर्तन सुनने में मज़ा भी आएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे ना। अरे यादव जी चिंता मत कीजिए, हम है ना। हाँ ठीक है, रखते हैं। आप गए नहीं अभी तक? अच्छा छोड़ी, भूल गए थे, जुबा केसरी। चलते हैं, बहुत काम है भाई हमको।